आइए आइए नेताजी, आपके आगे तो बड़े बड़े विधायक भी पानी कम हैं। अरे ये तो बड़प्पन है आप लोगन का, विधायक का बेचते हैं हमारे सामने, लेकिन हीरे की परख तो जौहरी को है। तो आपके उधार खाते में जोड़ जाड़ के बता दे कितना हुआ। आपका खाता हमने भावी विधायक के नाम से खोल रखा है, अब उसके ऊपर उधार अच्छा लगता है क्या? अरे खाता तो कहे के लिए है, वो तो आपके हाथ से लिखा हुआ मेरे लिए अभिनंदन पत्र है। तो ऐसा कीजिए बिट्टू मियां, आज आप अपना हिसाब चुकता ही कर दीजिए और अपने सारे रिश्ते तोड़ लीजिए। आशिक रजिस्टर लेके आ। कैसे आदमी हो यार तुम लोग, इतना सम्मान देते हो और फिर पैसा मांगते हो, ये सब शोभा देता है क्या तुम लोगों को? बतौलेबाजी छोड़ो, ये बताओ हमारे दोस्त मुश्ताक क्या कह रहा हो, इज्जत दे में कोई कमी तो नहीं छोड़ी? अरे आपके दोस्त ने तो वो खातिरदारी करी है कि आपको क्या बताएं। बड़े बड़े जलील देखे मियां, लेकिन आप जैसा नहीं देख। अरे वो जो आपके दोस्त मुश्ताक है ना, उन्होंने हमसे पैसे लेकर सड़ा टीवी पकड़ा कर बेवकूफ बना दिया हमें। अरे उन्हें तो हम माफ भी कर देते, लेकिन आपको अभी तक हमने पान में जहर मिलाकर नहीं खिलाया ना, उसके लिए अपने आप को नहीं माफ कर पा रहे हैं। इसलिए अब नगद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। अब निकल लो बिट्टू, खाते में कुछ भी नहीं बदलेगा समझ लेना। चुकता नहीं किया तो चाय भी बंद। आदरणीय मिश्रा जी और मिर्जा जी, आज आप लोगों ने अपने बिट्टू को पराया कर दिया, मतलब इतनी बड़ी टप्पेबाजी हुई गई बिट्टू के भाइयों के साथ और बिट्टू को कानो कान खबर नहीं। देखो बिट्टू, अब इन चिकनी चुपड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। एक तो आपके दोस्त ने वैसे ही हमारे अरमानों को चकनाचूर कर दिया, ऊपर से आप उस पर हमदर्दी का चूरन मत लगाई है मियां। एक बात बताई, गलती आप दोनों की है। अरे रातें फोन मारे चाहिए, मुश्ताक का घर से उठा लाई और यह मुर्गा बनाई दी है। रहने दो बिट्टू भैया, रात भर स्मार्ट टीवी के रह रहे के झटके आ रहे थे, न जाने कौन से जन्म का बदला लिया है। कभी कभी ज्यादा समझदारी ना नुकसान देती है, जरूर कोई ना कोई ज्ञान बगा रहे हो तुम लोग। कितना पैसा लेके गए रहो? 100-100 के नोट दिए थे अपने ही नहीं हाथों से। देखो हम खाम खाई की तो बात करित नहीं है, हमारी वजह से तुम दोनों के साथ टोपी हुई है, अब हमारी वजह से तुम लोगन का मिली टीवी, वो स्मार्ट। बस करेक ये है कि ये पर्चा लियो और इमा जो फोन नंबर लिखा है वहीं फोन मिलाओ, पुराना कबाड़ टीवी दे आओ और नया स्मार्ट टीवी ले आओ। अब तो खुश हो? हाँ। लाओ बे, मारो बे बिना शक्कर की। हेलो। हाँ मिया, अमा बड़े बेगैरत आदमी हैं आप। अमा आपने सोच कैसे लिया कि हम अपनी जान से अजीज बेगम का जान से अजीज टीवी आपको दे देंगे? देखिए नहीं चाहिए आपके पैसे, लाख रुपए भी देंगे ना तो भी हम ना कहेंगे। ना मतलब इंग्लिश में नो मिया। अमा क्या मिया, हमने बोल दिया ना आपको कि नहीं चाहिए हमें पुराने टीवी के बदले नया स्मार्ट टीवी। अब रखिए फोन। फोन नहीं हम बोल रहे हैं, ऐसा भी क्या हो गया जो इतना भड़क रहे हैं? देखिए बेगम, बात दरअसल ये है कि आपका जो पुराना खानदानी टीवी है ना, उस कंपनी से फोन था, कह रहे हैं कि वो टीवी उस कंपनी का पहला टीवी था। अब उस कंपनी के मालिक की सांसें अटकी हुई हैं बेचारे की, और उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि उस टीवी को देख के ही अपनी सांसें छोड़ेगा। या खुदा, इतनी मोहब्बत, तो आपने क्या कहा मियां? कहना क्या था बेगम, हमने तो साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो जिद कर रहे थे कि अपने पुराने टीवी के बदले आप नया स्मार्ट टीवी ले जाइए, वो भी फ्री में। देखिए मियां, अब मरते हुए की बद्दुआ लेकर क्या फायदा, कौन सा टीवी छाती पर लेकर जाना है। वैसे सौदा बुरा नहीं है मियां, हालांकि हमारी जान बसती है टीवी में, लेकिन किसी गरीब की जान अटकी भी तो है ना। अब आप ऐसा कीजिए, पुराना टीवी देकर उनकी जान बचा लीजिए और नया टीवी लाकर अपनी जान छुड़ाइए। फंस गई मछली, अब डोर खींचते हैं आहिस्ते से। देखिए बेगम, हम आपको गमगीन नहीं देख सकते, हम जानते हैं कि आपको कितनी मोहब्बत है अपने उस टीवी से। चलिए रहने दीजिए। क्या रहने दें? हाँ ठीक है, रहने दीजिए बेगम, रहने दीजिए, हम उसकी आखिरी ख्वाहिश के लिए आपको दुख नहीं दे सकते बेगम। कोई बात नहीं,
ये गुनाह भी हम अपने सर ही ले लेंगे। ठीक है मियाँ, ठीक है। और नहीं तो क्या, हम आपको गुनाह करने से बचा रहे हैं और आप है कि गुनाह सर पर लेकर बैठे हैं। अब वैसे भी आप टीवी तो लाने ही वाले थे ना। हाँ बेगम, लाने तो वाले हैं। अब तो बस यही दुआ कीजिए कि उस मरते हुए आदमी के ख्वाहिश में इतना असर ना हो कि अल्लाह हमें पहले ही बुला ले। या अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है बेगम। तो मियाँ आप पुराना टीवी दे आइए और नया ले आइए, हम अपने आप को कैसे भी समझा लेंगे। चलिए, यहाँ तो मछली फंस गई। अब मिश्रा के यहाँ फोन करके देखते हैं कि वहाँ क्या माजरा है। आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हेलो, अरे मना तो कर दिया ना, और कैसे कहे? अरे क्या खून से लिख कर दे दे? अरे भाड़ में जाए आपकी एग्जीबिशन। आपकी एग्जीबिशन के चक्कर में अपने पुश्तैनी टीवी को बाजार में रख देंगे नुमाइश के लिए? ना कर दिया ना, मतलब ना। हाँ रखिए फोन। क्या हो गया, किस पे इतना गर्म हो रहे हो? अरे लखनऊ म्यूजियम वाले हैं, कह रहे अपना पुश्तैनी टीवी दे दीजिए, म्यूजियम में रखेंगे। पुराना टीवी है ना, हमने मना कर दिया। अच्छा। मुर्गी दाना नहीं चख रही, दोबारा डालना पड़ेगा। हेलो, अरे आपसे कह तो दिया कि पुराने टीवी के बदले में हमें नया टीवी नहीं चाहिए, हमारा कबाड़ है ना। हाँ तो इतनी कीमत आप क्यों दे रहे हैं? रखिए फोन। अरे अरे इनको जरा फिर से फोन लगाओ, हम देते हैं इनको ठीक से ऑफर। अरे भाई हमारा पुश्तैनी टीवी है तो उसके बदले में हमको कम से कम अच्छा टीवी तो मिलना चाहिए ना। हाँ? अब अगर हम स्मार्ट टीवी देने की बात करें तो हम इस बारे में सोचे भी। देर से आए पर दुरुस्त आए, फंस गई मुर्गी। यही तो वो कह रहे थे कि पुराना टीवी दो और नया स्मार्ट टीवी ले जाओ। हाँ लेकिन बड़ा मुश्किल है अपने आप से इस टीवी को अलग करना। अरे कितनी यादें जुड़ी हुई हैं हमारे इसके साथ में, अब क्या बताएं। लेकिन फिर भी घर परिवार के खातिर ये भी करने के लिए मजबूर हैं। तो कर दें। हाँ नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरा मतलब है अच्छे तरीके से सोच लो, जब तुम कहोगी तभी करेंगे। अब सोचना क्या है मिश्रा जी, तुमको जैसा ठीक लगे वैसे ही कर लेना। अब हमसे तो ये सब होते हुए वैसे भी देखा नहीं जाएगा। पट गया काम। हाँ भाई, दुख तो हमें भी बहुत है लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी है, कांटे से कांटा तो ऐसे ही निकलता है। टीवी बदलना है जनाब, जर्रे की गुजारिश है कि तहकीक के लिए बारी बारी तशरीफ लाएं। मिर्जा, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पहले हमारा नंबर है, आप जरा बाहर जाके इंतजार कीजिए। तो हम बाहर क्यों जाएं? हम अम्मी ये कह रहे हैं, जाइए ना। चले जाए। देखिए जनाब, आपसे हमारी इतनी सी इल्तिजा है कि इस टीवी के साथ बेहद नरमी से पेश है। क्या है कि हमारी बेगम की जान बसती है इस टीवी में, बड़े नाजुक से पाला है इस टीवी को। देखिए जनाब, हम सबके साथ एक जैसा सलूक करते हैं, जितनी नरमी बढ़ती जानी चाहिए उतनी नरमी हर हाल में बढ़ती जाए। मम्मी देखिए, फिर भी थोड़ा आराम से, बड़ा खास है ये टीवी। आप बेफिक्र रहिए, जरा पकड़िए, हाथ लगाइए। पुराना टीवी ले जाओ, नया टीवी ले आओ। अम्मा मिया, ये क्या है? आप ही का टीवी तो है। मम्मी
हमारे इतनी गुजारिश करने के बाद भी आपने इतनी बदसलूकी बरती हमारे इस टीवी के साथ। जनाब आज हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है, वरना इस प्रोसेस को तो हम इतनी बेरहमी से करते हैं कि टीवी वाले तो क्या टीवी तक की रूह कांप जाती है। देखिए जनाब, माना हमारी बेगम की तरह हमें इस टीवी से इतना दिली लगाव नहीं है, लेकिन इसका ऐसा तसव्वुर तो हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जनाब जो होना था वो हो गया, अब आप खुद को संभालिए और बाहर जाकर अपने दोस्त को अंदर भेज दीजिए। हो गया तुम्हारा? अच्छा ठीक है, फिर हम अभी आते हैं। ये भाई साहब, हम ये चाहते हैं कि आपने जो व्यवहार हमारे दोस्त मिर्जा के साथ किया है ना, वैसे ही हमारे और हमारे टीवी के साथ करिएगा। अच्छा जनाब, यकीन मानिए हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे, आपके और आपके टीवी के साथ वो सलूक करेंगे कि आप सालों साल हमें याद करेंगे। अच्छा लाइए टीवी दीजिए। अरे आराम से, आराम से, आराम से। नया स्मार्ट टीवी मिलेगा। भाई साहब हाँ, ये आवाज कैसी थी? आप ही के टीवी की तो थी। अच्छा अच्छा, क्या भाई साहब? हाँ ये हमारा पुश्तैनी टीवी है। हाँ एक बात बताइए, ऐसा आपने मिर्जा के साथ भी किया है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं। अब बताने लायक बचे ही कहाँ। वैसे एक बात तो है कि आपका टीवी चलता बेशक ना हो मगर बड़ा मजबूत है। अरे ये खंडहर ही बता रहे हैं कि इमारत बड़ी बुलंद थी। मिर्जा तोड़ दिया? हाँ। देखिए जनाब, आपने बिल्कुल गलत किया है हमारे साथ और इनके साथ भी। जनाब होने को कौन टाल सकता है, जो होना था वो तो हो गया। वैसे भी आपकी बेगम अलग हो गई और जान अलग। वैसे आप दोनों के टीवी का जो कबाड़ का वजन हुआ है, दोनों का मिला के हुआ 10 किलो, इस हिसाब से आपके 500 रुपये हुए। है? सिर्फ 500 रुपये? हाँ भैया, 1000 रुपए तो हमारे किराए में लग गए इस टीवी को यहाँ पे लाने में। और आपके वो क्या पुराने टीवी के बदले में नया स्मार्ट टीवी ले जाओ उस स्कीम का क्या? ये बोर्ड लगा है इतना बड़ा, ये स्मार्ट टीवी दीजिए। हाँ। ये आपके पंपलेट में लिखा है, ये देखिए। अरे भैया स्कीम तो वही की वही है, ये आपने नीचे लाइन नहीं पड़ी शर्त वाली। भैया कबाड़ टीवी का पैसा कैश में ले लो या फिर स्मार्ट टीवी के उसमें दाम में उसको क्या बोलते हैं एडजस्ट करा दो। देखिए देखिए भैया, भैया कंडीशन अप्लाइड भी लिखा है। या खुदा, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन है भैया आपके पास। मियां अभी मरने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जनाब अब कुछ नहीं हो सकता है, या तो आप ये अपने पैसे कैश में ले लीजिए या फिर स्मार्ट टीवी के दाम में एडजस्ट करा दीजिए। टीवी में घर भिजवाए देता हूँ, बाकी के 44,500 आपके, 44,500 आपके, अपने एड्रेस के साथ यहाँ जमा करा दीजिए, टीवी घर भिजवा देता हूँ। 250 रुपए का ऑफर चल रहा है, वो मैं इसमें लेस करा दूंगा। अरे भाई साहब 44,500 होते तो आपके पास आते। मिर्जा पुश्तैनी टीवी का क्या करना है? करना क्या है, शहर के गड्ढों में भर देंगे और लौटते वक्त अगर आप अपने हाथों से डाल देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए मेरे पास छुट्टे तो नहीं है, तो 250 आपके और 250 आपके आपस में बांट लीजिए। फंस गए, फंस गए, फंस गए रे, फंस गई रे जान मेरी। यार मिर्जा आज हम दुकान पर ही रहेंगे, अगर शांति को पता चल गया कि उसके पुश्तैनी टीवी के साथ क्या हुआ, सीधे कौओं को खिला देगी। खिला देगी और क्या, तुम यहाँ एक ही रास्ता है, आज हम दोनों अपनी अपनी दुकानों पे ही डेरा जमा लेते हैं,
क्योंकि बिना टीवी के घर तो जा ही नहीं सकते ना। अरे यार मिर्जा, कब तक दुकान पे सोओगे? कुछ जुगाड़ सोचो। अब क्या सोचे, आपके साथ रह के हमारी अक्ल पे भी पत्थर पड़ गए हैं। देखो मिर्जा, तुम्हारी बातें मानने की वजह से हमारी आज ये हालत हुई है। पत्थर तो हमारी अकल पर पड़ गए थे। अच्छा, चले जाइए मियां, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। तो हमें कौन सी बात करनी है, आप जाइए। तो फिर बैठे क्यों हैं? तुम क्यों बैठे हो? अरे रोको 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 रोको, जाओ टहल के आओ थोड़ी देर में आना। अबे काटा, हाँ हवेली वालों के हॉल देखे जाए क्या है। चूना घिसा जा रहा है। ये जो चूना घिस रहा है ना, इसके हमने जो चूना घिसा था अभी तक छरछरा रहा है। बिट्टू भैया, एक नजर इधर मान लो। अब इसे ठीक से उबालिए ना। मिर्जा चाय के साथ तो खुद भी उबल गए। अबे इसी को तो राजनीति कहते हैं। इन्हीं की चाय पी, इन्हीं का पान खाया, इन्हीं की आखिरी में खटिया खट। अबे मजनू, जद्दू सादे पान लगा लाओ। अच्छा बिट्टू भैया, अभी लो। टन टन आशिक, दो बढ़िया सी चाय बना दो। फटाफट आए सलीम मियां। तुम्हारे अंदर बड़ी हिम्मत है बिट्टू भैया, तुमको नहीं छोड़ेंगे। बड़े हितैषी बन रहे थे ना हमारे। तमाम मिश्रा जी, हितैषी और हमदर्द जैसे अल्फाज इन जैसे लोगों पर जेब नहीं करते। वैसे गलती हमारी है जो हमने इन जैसे लोगों पर एतमाद किया। अबे जब तुम दोनों हाओ बैल बुद्धि तो बताओ इमाम का करी यार। देखिए बिट्टू मियां, जुबान संभाल के बात कीजिए। और ये बैल बुद्धि क्या होता है? अबे हम तुम लोगों का पंपलेट नहीं दिया रहे, जब खोल गए का पूरा पढ़े हो नहीं, क्या वो इमा भी हमारी गलती है का? एक बात बताई, अब भलाई का जमाना रहा नहीं, मतलब हम तुम लोगों का भला करा चाहिए, उल्टा तुम लोग हमी से झिले पड़े हो हैं। मिश्रा जी, तुम दो पान लगा के रखो और तुम चाय बना के रखो। आते हैं। बढ़िया बढ़िया, चलो। अरे मजनू भैया, जल्दी से एक पान लगा दीजिए, कत्था चूना रगड़ के। कहाँ से लगा दें, आज दुकान जल्दी बंद करने को बोला है। क्या हो गया? हमसे क्या पूछ रही हूँ, उनसे पूछो, बहला गए हैं। मिश्रा भैया, क्या हो गया, आज दुकान जल्दी बंद करवा रहे हैं? तुम दुकान बंद करने की बात कर रही हो? यहाँ हमारे घर के दरवाजे बंद हो गए। किस्मत के दरवाजे बंद हो गए मियाँ। पहले सिर्फ बेगम दिक्कत देती थी, अब बेगम का टीवी भी दिक्कत दे रहा है। पारो, पहले ये बताइए मोहतरमा कि 3 दिनों से आप है कहाँ? अब क्या बताएं भाईजान, हम खुद दिक्कत में आ गए जिस दिन से हमने स्मार्ट टीवी लिया है। बताओ, हम स्मार्ट टीवी न लेके दिक्कत में है या स्मार्ट टीवी लेके दिक्कत में है, ये क्या बात हुई? अब क्या बताएं, एक सीरियल खत्म नहीं होता कि दूसरा चालू हो जाता है। रामायण, महाभारत, कुसुम की ससुराल, पिंकी का मायका और न जाने क्या क्या। अब आप ही बताइए, एक नन्ही सी जान कितने सीरियल देखेगी? तो मत देखा कीजिए ना। ऐसे कैसे ना देखें, 1000 रुपए का केबल रिचार्ज करवाया है हमने। मिश्रा भैया, आप ना पान लगवा दीजिए हमारे पति के लिए, वो ना इमरजेंसी की सर्विस पे जाना है। अरे तो आ रहे हैं ना, इतनी जल्दी हो रही है ना तुमको, तो जाओ कहीं और से ले लो जाके पान। और सुनो, शाम को खाना बाहर खाते हुए आना और हमारा लेते हुए। पारो, कैसा पान लगा दे? जैसा आप चाहें। अच्छा आओ। ए मजनू, दुकान क्यों बंद कर रहा है, पान लगा। क्या है, अभी तो आप कह रहे थे दुकान बंद, पान लगा। हाँ तो पारो, क्या कह रही थी तुम? अब भैया जी क्या बताएं, इस स्मार्ट टीवी के चक्कर में ना, ये जो वेब सीरीज होती है ना, ये ऑन कर दो तो पूरी देखे बिना तो रात में नींद ही नहीं आती है। हमारी आंखें देखी, अब हम अगले 3 दिन आराम से अपनी नींद पूरी करेंगे और काम पर नहीं आ पाएंगे। देखो पारो, जब स्मार्ट टीवी से इतनी परेशानी है तो इसे बेच क्यों नहीं देती? बेच दे और क्या। देखो बात तो तुम सही कह रही हो, अब स्मार्ट टीवी घर में रहेगा तो तुम काम पर नहीं जा सकोगी, और काम पर नहीं जाओगी तो काम नहीं चलेगा, और काम नहीं चलेगा तो तुम रिचार्ज भी तो नहीं करवा पाओगी, तो अभी तुम इसे बेच दो। बात तो आप सही कह रहे हैं, पर ऐसे कैसे बेच दे? अरे हम फ्री में देने की बात थोड़ी कर रहे हैं,
तुम इसे हमें 2500 में दे दो। 3000? 3100। 3150। मुशर्रफ जी आप हमसे जीत ही नहीं पाएंगे। 3500। 3550। 4000। 4050। 4500। भैया जी वो क्या है ना कि हमारे पति घर में कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, वो हमेशा इमरजेंसी की ड्यूटी पे लगे रहते हैं। अब ऐसे में ये स्मार्ट टीवी हमारा एक लौता सहारा है। अब आप लोगों से हम कुछ छुपाएंगे तो नहीं? आप लोगों का नमक जो खाया है वो ये टीवी हमें लकी ड्रॉ में नहीं मिला है। अरे टिंग 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 टिंग, उड़ता पंछी झाड़ू वाला सेल्समैन आया था मोहल्ले में टीवी डिलीवर करने के लिए, एड्रेस लेके घूम रहा था, उसको किसी ने एड्रेस बताया नहीं। हाँ तो फर्स्ट सेकंड प्राइस के बाद थर्ड प्राइस पे हमारा नाम था और वो उसका आखिरी दिन था टीवी डिलीवर करने का, तो वो टीवी हमें पकड़ा कर चला गया। ये पता बताइए जरा। हम झाड़ू वालों से बात नहीं करते, ये पकड़िए उसे और से पूछिए। और उस दिन से आज तक हम यही सोच रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में ऐसे कौन से रईस पैदा हो गए जिन्होंने फ्री का टीवी लेने से इनकार कर दिया।